ऊर्जा मंत्री और जिला पालक मंत्री नितिन राउत अपने विधानसभा क्षेत्र उत्तर नागपुर की बस्तियों में नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए सुबह से ही दौरे पर निकले थे। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे, वे चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे थे। इसी दौरान यादव नगर के जय भीम चौक पर उन्होंने देखा कि एक स्कूली बच्चों से भरा ऑटो सीमेंट रोड से नीचे उतरकर बारिश से हुए कीचड़ में फंस गया है। ऑटो वाला पूरा एक्सीलेटर देकर वाहन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इतने में सभी तब दंग रह गए जब राउत ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरकर उस ऑटो के करीब पहुंचे और कीचड़ से निकालने के लिए धक्का लगाने लगे। यह नजारा देख उनके कार्यकर्ताओं ने भी हाथ बटाया और ऑटो कीचड़ से निकल गया। बस्ती के जिन नागरिकों ने यह दृश्य देखा उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी आश्चर्यचकित थे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने कौन से साहब लोग उनके ऑटो को धक्का दे रहे हैं। ऑटो चालक तो भावुक हो उठा। कीचड़ से ऑटो निकला तो बच्चे भी खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर राउत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उस दौरान उनके साथ दीपक खोबरागड़े, मुन्ना पटेल, जितेंद्र चौहान, रितेश जगताप भी थे। सोशल मीडिया में उनकी ऑटो को धक्का देते हुए तस्वीर वायरल हो रही है।